शाहरुख जी बहुत बहुत मुबारक हो सर, कमाल है। अब आप आए क्यों नहीं मेरे थिएटर में, नहीं तो हर वक्त आपकी पिक्चर में आप आते ही है। और आप दूधो नाओ फूतो फलो, हम तो आपकी वजह से पठान गदर आ गई, अभी जवान आई। सर जवान में इतने जवान लग रहे हो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सर ये जवानी कहाँ से ला रहे हो आप, कमाल है आप, आपने कमाल कर दिया है सर। आई सैल्यूट यू सर एंड वेटिंग फॉर यू टू कम टू गेटी गैलेक्सी। थैंक यू सर। दोस्तों का स्वागत है। क्या चल रहा है मेरी जान, सब्सक्राइब किया राहुल भाई को नहीं, तबाही मचा दी है जवान ने, भाई साहब हिला के रख दिया है। और यहाँ पे अभी हम बात करने वाले हैं कि दो दिनों में जवान ने क्या अपनी बजट को रिकवर कर लिया है या फिर नहीं, कितना बड़ा माइलस्टोन क्रिएट कर लिया है यार, सिंगल स्क्रीन और यहाँ पे जो मल्टीप्लेक्स वाले जिसके अंदर जो है वो गदा नहीं जाता था, उसके अंदर यहाँ पे जो है वो जवान चलाई गई है, उनकी रोजी रोटी स्टार्ट हो गई है। जो थिएटर्स यहाँ पे सालों से बंद पड़े थे उसके अंदर भी जवान लगा दी गई है, क्योंकि टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, बुक माय शो को क्रैश कर दिया है, दुनिया भर के अंदर तबाही मचा दी है। और यहाँ पे इस मूवी को लेके बड़े बड़े दिग्गज सेलिब्रिटीज भी कहते हैं कि ये मूवी नहीं है, मॉन्स्टर है जो कि सबको खा जाएगा और यहाँ पे बॉक्स ऑफिस को निकल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस मूवी के क्रेज के बारे में, तो कहीं ज्यादा क्रेज यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है भाई। यहाँ पे जो है वो दूध से अभिषेक हो रहा है, कटलेस के ऊपर फायर किए जा रहे हैं भाई साहब, बॉम्ब शेल से फायर किए जा रहे हैं, यहाँ तक के लोग जो है वो बंगड़े कर रहे हैं, यहाँ तक के थिएटर्स के गेटों को भी तोड़ दिया है भाई साहब। क्या माहौल बना दिया है पूरी इंडिया के अंदर जवान फिल्म ने। उसी के साथ मनोज देसाई भी बोलते हैं, शाहरुख भाई आप हमारे थिएटर्स में क्यों नहीं आए, और इतना बड़ा इवेंट और जिस तरीके से आपने इतनी बड़ी फिल्म दी है हमें, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, हम हमारे पैरों को चूमना चाहते हैं, ये होता है भाई साहब एक स्टारडम, और ये होता है शाहरुख खान का लेवल, ये एक ग्लोबल स्टार है जिसने प्रूव कर दिया है कि भाई हम आएंगे, जब भी आएंगे पूरी बॉक्स ऑफिस को हिला के ले जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें डे वन की, तो डे वन के अंदर 129 करोड़ रुपए का बिजनेस करके इस मूवी ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। तो यहाँ पे डे टू हिंदी की नेट की कलेक्शन यहाँ पे 46.23 करोड़ यहाँ पे आ चुकी है। उसी के साथ तमिल और तेलुगु से भी अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिल रहा है, और तमिल और तेलुगु से भी इस मूवी ने भाई साहब जो है वो 6 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। और यहाँ पे भाई साहब 2 दिन के अंदर इस मूवी ने अच्छी खासी कमाई कर ली है। अगर हम बात करें डे टू नंबर की यहाँ पे जो है वो क्रॉस की, तो यहाँ पे जो है वो ये इंडिया ग्रोस बनता है 53 करोड़, यानी कि 53 करोड़ रुपए जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेट इंडिया से इस मूवी ने बिजनेस किया है, जिसके अंदर तमिल और तेलुगु का भी हम इंक्लूड कर देते हैं। उसी के साथ यहाँ पे हम इंडिया नेट के बारे में बात करें, तो यहाँ पे ये इंडिया नेट से ही 128 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है फिल्म, टोटली शॉकिंग ब्रो, 128 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ इंडिया से इस मूवी ने ठोक दिए हैं। उसी के साथ इंडिया ग्रोस के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे भाई साहब 2 दिनों के अंदर इस मूवी ने 155 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है इंडिया ग्रोस, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं, 155 करोड़ रुपए का इसने बिजनेस किया है। और ओवरसीज की जो यहाँ पे गांड मारी है ना, उसको सुनने के बाद आप भी भाई साहब दिमाग आपका काम नहीं करेगा कि ओवरसीज के अंदर यहाँ पे शाहरुख खान को भगवान माना जाता है, शाहरुख खान की मूवीज को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, और यही रीजन है कि शाहरुख खान की मूवीज पूरी बॉलीवुड के किसी एक्टर के अंदर इतना दम नहीं है कि शाहरुख खान के एक मूवी का भी रिकॉर्ड तोड़ पाए, क्योंकि ओवरसीज के अंदर शाहरुख खान को अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिलता है, वहां के लोग इस मूवी को काफी ज्यादा प्यार दे रहे हैं, यहां तक के वहां पर भी थिएटर्स काफी ज्यादा फुल होते हुए जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें डे वन की ओवरसीज के बारे में, तो यहां पर 40 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था डे वन वाले दिन, डे टू वाले दिन यहाँ पे जो है वो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि 45 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है, और टोटल यहाँ पे ओवरसीज से 85 करोड़ रुपए इस मूवी ने कमा ली है सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों के अंदर। टोटली गूज़बम्प्स भाई साहब, 85 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ा नंबर है, और ओवरसीज से इस मूवी ने 85 करोड़ रुपए का बिजनेस करके साबित कर लिया है कि किंग खान सिर्फ एक है, वो है शाहरुख खान, और शाहरुख खान का मुकाबला करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो भाई साहब टोटल कितना हुआ, ये तो आप बात कर रहे हो कि इतना यहाँ पे जो है वो ग्रोथ से आया, इतना यहाँ पे इंडिया नेट से आया, इतना यहाँ पे इंडिया ग्रोथ से आया, लेकिन टोटल क्या हुआ भाई साहब, ध्यान से सुनो, इस मूवी ने पिछले 2 दिनों के अंदर
कर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के ऊपर 240 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, 240 करोड़ रुपए का इस मूवी ने दो दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने यहाँ पे जो है वो कमाई कर ली है, जो कि अनबिलीवेबल है। भाई साहब सल्यूट पेश करता हूं मैं शाहरुख खान को। मैं पूरी इंडस्ट्री के अंदर जो बंदा है वो सिर्फ शाहरुख खान है यार। मैं तो इस बंदे का फैन हूं, फैन फैन फैन। और आज यहाँ पे इसके अंदर जो है वो मैं शाहरुख खान को यही बोलूंगा यार, टॉम क्रूज के बाद मुझे जो है वो सबसे ज्यादा जो फेवरेट वाला हीरो था वो आप थे। लेकिन अब मैं टॉम क्रूज को डिलीट करता हूं, आपको नंबर वन के ऊपर रखता हूं, क्योंकि भाई आप महान हो। आपने साबित कर लिया है कि यहाँ पे इंडिया के अंदर भी इतना टैलेंट है कि वहां पे भाई साहब जो हॉलीवुड वाले भी फीके पड़ जाते हैं। तो भाई साहब इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, कितना ज्यादा और ये मूवी कमाने वाली है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जिस तरीके से इस मूवी का क्रेज हर दिन आसमान की ऊंचाइयों के ऊपर जा रहा है, कितनी बड़ी बवाल मचाने वाली है फिल्म, ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अगर आपने राहुल भाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सब्सक्राइबर्स दूर है और हमें 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। आई होप आप राहुल भाई को सपोर्ट करोगे। हरे कृष्णा।